मेरा नाम शशांक मिश्रा है और मैं यूक्रेन में थर्ड ईयर का एमबीबीएस छात्र हूँ विनिस्या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मेरी गवर्नमेंट से यही मांग है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट करीब करीब 12-13 हजार इंडियन स्टूडेंट अभी यूक्रेन में हैं, तो जैसे सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पर सारी जो फ्लाइट्स थी जो स्टूडेंट ने बुक करके रखी थी आने वाले दिनों में उनको रोक दिया गया है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी एवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और इंडियन स्टूडेंट को उनके घर पहुंचाया जाए और मिनिमल रेट पे, कम से कम रेट पे, क्योंकि स्टूडेंट ने ऑलरेडी टिकट बुक करा के रखी है और उनके पैसे 40,000, 50,000, 60,000 दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए।